आपका क्या दिल नहीं करता कि आपके जितने ख्वाब हैं वो पूरे हों? जैसी आप जिंदगी चाहते हैं, जैसी आपकी आइडियल जिंदगी है, मे बी आप बड़ा घर चाहते हो, या मे बी आप अभी इस वक्त किराए के घर में रहते हो, आप अपना मकान बनाना चाहते हो, या आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो, या आप कोई नई जॉब चाहते हो, जो भी हो आपका प्लान, उसको अपने जहन में बिठाएं, उसकी अपने जहन में एक तस्वीर बनाएं, और फिर उस तस्वीर का, उस मंजर का मजा लें। आपको बहुत सुरूर मिलेगा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि आप जो कुछ चाहते हैं वो आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में, आपकी इमेजिनरी पिक्चर में नजर आ रहा होगा। अब वापस आ जाएं रियलिटी में, हकीकत में, और अपने आप से पूछें कि मैं इस इमेजिनरी, इस ख्याली तस्वीर को हकीकत के रंग में कैसे बदल सकता हूं। तो इस ख्याली तस्वीर को, इस ख्याली मंजर को हकीकत में बदलना सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में। आप चाहें तो रोज इसको, ख्याली मंजर को अपने ख्यालों में लाएं, और जिसको कहते हैं डे ड्रीमिंग, यानी दिन में ख्वाब देखना, या बस आप ख्याली पुलाव बनाते रहें, या आपके पास दूसरी चॉइस है कि आप मेहनत करें, दबा के मेहनत करें, वक्त जाया ना करें अपना, दबा के मेहनत करें, जितनी जॉब कर सकते हैं करें। अगर आपको हफ्ते में 7 दिन काम करना पड़ता है, 7 दिन काम करें, आपको 2 जॉब्स करनी पड़ती हैं, 2 जॉब्स करें, मेहनत करें, अपना वक्त जाया करना छोड़ दें, दोस्तों के साथ ये चाय की महफिल करना, घंटे घंटे चाय पे बैठ के गुफ्तगू करें, गुफ्तगू भी कौन सी हो रही है, सियासत पे हो रही है और दोस्तों पे हो रही है। यार आप अगर गुफ्तगू कर भी रहे हैं तो कोई बिजनेस प्लान डिस्कस करें, कोई आइडियाज डिस्कस करें, ऐसी गुफ्तगू करें जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको फायदा नहीं हो रहा वो गुफ्तगू ना करें, अपना वक्त जाया करना छोड़ दें। जब आप अपना वक्त जाया करना छोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा, आपको अंदाजा होगा कि आपकी जिंदगी में तब्दीली आ रही है। फिर जो ख्याली तस्वीर, जो इमेजिनरी सिचुएशन आप अपने जहन में बनाएंगे बार बार, उसको आप हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करें, दबा के मेहनत करें। आपको 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, क्या पता इससे मुख्तसर अरसा लगे, क्या पता इससे लंबा अरसा लगे, लेकिन आप इन दी एंड जो जिंदगी आप चाहते हैं, जो आइडियल जिंदगी आप चाहते हैं, वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। शुक्रिया बहुत।